हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में, साथ ही साथ अपन किस प्रकार से अर्थ टेस्टर के द्वारा अपन अर्थ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज अपन इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है अर्थ टेस्टर। तो अर्थ टेस्ट से पहले अपन देख लेते हैं कि आपके जो अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो जनरली अपन दो प्रकार के मेथड्स यूज करते हैं, पहला है फॉलो पोटेंशियल मेथड और सेकंड है आपका अर्थ टेस्टर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अपने आपके जो मेथड हैं क्या है? किसके? अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के। तो सबसे पहले अपन कुछ देख लेते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है या इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि आपके जो अर्थ रेजिस्टेंस है या अर्थ इलेक्ट्रोड है उनको लगाने के क्या क्या कारण हैं, मतलब क्यों इनको अपन यूज करते हैं। आप किसी भी सब स्टेशन में देखें या किसी भी पावर सिस्टम में देखें तो वहाँ पर आपको क्या है, एक अर्थ रेजिस्टेंस, एक अर्थ ग्राउंड वायर या अर्थ रेजिस्टेंस आपको वहाँ पर सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस है या अर्थ इलेक्ट्रोड लगाने के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, किसी भी सिस्टम का यदि इंसुलेशन फेल हो जाए, मतलब इंसुलेशन, जैसे कोई वायर है उसका इंसुलेशन ब्रेक हो गया और वो ओपन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि उस वायर के थ्रू या उस इंसुलेशन ब्रेक के कारण आपका कोई फॉल्ट आ सकता है और उस स्थिति में फिर आपके जो सिस्टम में है वो लीकेज करंट फ्लो कर सकता है या कोई भी पर्सनल व्यक्ति जो उस फॉल्ट को ठीक करने के दौरान उसका ठीक करने का काम कर रहा है या उसका ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको उस लीकेज करंट से या उस लीकेज इंसुलेशन फेलियर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपन अर्थ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपका जो अर्थ वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो आपके लीकेज करंट्स हैं उनके लिए ये अर्थ इलेक्ट्रोड क्या करता है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। तो आपके जितने भी सिस्टम के फॉल्ट्स के कारण लीकेज करंट्स हैं या इंसुलेशन किसी भी वजह से कोई अगर लीकेज करंट फ्लो रहा है तो वो लीकेज करंट आपका ग्राउंड वायर के थ्रू अर्थ इलेक्ट्रोड से होते हुए ग्राउंड में फ्लो हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। किन के लिए? लीकेज करंट्स के लिए या फॉल्ट्स करंट्स के लिए। ठीक है, दूसरा कि आपका जो थ्री फेज सिस्टम है, तो दूसरा जो रीजन है, तो आपका जो थ्री फेज सिस्टम है उस थ्री फेज सिस्टम में आपका जो ग्राउंड टू न्यूट्रल, सॉरी फेस टू न्यूट्रल जो वोल्टेज है या फेस टू ग्राउंड जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के काम भी ये आपका आता है। ठीक है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो भी आपका वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, उसको स्टेबलाइज करने में भी आपके अर्थ इलेक्ट्रोड का उपयोग या अर्थ वायर, अर्थ रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड रीजन है कि जब भी आपका कोई लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा या लाइटनिंग स्ट्रोक होगा या अन्य कोई भी सिस्टम फॉल्ट आ जाए, जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, तो कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो उस दौरान आपका क्या है, जो आपके जो भी ग्रिड है या जो भी सब स्टेशन है या पावर स्टेशन है वहाँ पर जितने भी आपके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उन इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये आपका करता है। कैसे? कि मान लो आपका लाइटनिंग स्ट्रोक हुआ तो जो लाइटनिंग स्ट्रोक का जितना भी चार्ज है या उसका जो इफेक्ट है वो आपके ग्राउंड वायर के थ्रू ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा और वो आपके जो मेन सर्किटरी है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जनरली तीन रीजन है आपके अर्थ इलेक्ट्रोड के लगाने के। ठीक है, अब अपन बात करें कि अर्थ रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है जिससे कि उसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो सकती है। तो जनरली अपन तीन फैक्टर्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है कि जो आप अर्थ इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो
उसकी शेप क्या है और वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो मतलब शेप ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड एंड मटेरियल ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, शेप एंड मटेरियल ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। तो जो भी आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है उसकी शेप तथा वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड आपका अर्थ रेजिस्टेंस करता है। दूसरा, अर्थ इलेक्ट्रोड की जो सॉइल के अंदर जो डेप्थ है, मतलब कितनी गहराई तक उस अर्थ इलेक्ट्रोड को आप सॉइल के अंदर गाड़ा है या बरीड किया है, उस डेप्थ पे भी आपका क्या है जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड है, जो आपकी जो भी सॉइल है जहाँ पर आप ग्राउंडिंग कर रहे हो या पर जहाँ पर आप अर्थ इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, तो उस जो सॉइल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, तो उस पर भी आपका जो ये अर्थ रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो ये जनरली तीन प्रकार के तीन फैक्टर हैं जिन पर आपका अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे अर्थ टेस्टर के बारे में। ठीक है। तो अर्थ टेस्टर क्या है आपका? अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो मेथड अपन यूज़ करते हैं उनमें से एक मेथड है आपका अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर क्या करता है, आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसको ये डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू, या अगर डिजिटल अर्थ टेस्टर है तो उसमें डायरेक्टली आपको डिजिटल फॉर्म में वो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको देगा। ठीक। चूँकि ये जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, अगर अपन पावर स्टेशन की बात करें तो ये लेस देन या इक्वल 1 ओम के आसपास होता है, और अगर अपन किसी भी सब स्टेशन की बात करें तो ये 5 ओम के आसपास या उससे कम होगा, 5 ओम या उससे कम इस आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान होना चाहिए। ठीक है। तो जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस है वो क्या करता है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो आप ये क्या करता है, आपको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है किनको, फॉल्ट करंट्स को। मतलब फॉल्ट करंट्स फ्लो होने के लिए, फॉल्ट करंट्स के लिए यह आपका अर्थ रेजिस्टेंस या आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब अपन इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि अर्थ जो टेस्टर है उसका संरचना क्या है या उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। ठीक है। तो जनरली इसके अंदर एक तो आपका क्या होगा, हैंड ड्राइव जनरेटर होता है इसमें, हैंड ड्राइव जनरेटर होता है। साथ ही साथ इसमें दो अन्य मुख्य पार्ट्स होते हैं जो कि आपके, एक तो होता है रोटेशनल करंट रिवर्सर और दूसरा जो मेन है वो है रेक्टिफायर। मतलब एक इसमें आपका रोटेशनल करंट रिवर्सर भी होता है, साथ ही साथ एक रेक्टिफायर भी इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है। और ये जो दोनों आपके करंट रिवर्सर है तथा जो रेक्टिफायर है, ये दोनों आपका जो जनरेटर यूज़ भी कर रहे हो, हैंड ड्राइव जनरेटर, उसकी साइड पे ये दोनों क्या रहते हैं आपके, माउंटेड रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है। अब ये आपका एक अर्थ टेस्टर का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका करंट रिवर्सर है और उसी शाफ्ट से आपका क्या है, एक रेक्टिफायर कनेक्टेड है। ठीक है। जो आपका हैंड ड्राइव जनरेटर होगा वो डीसी जनरेटर होगा। ठीक है। इसके अंदर एक ये जो आपको ओरिजिनल जो दिख रही है ये पोटेंशियल कॉइल होती है, साथ ही साथ इसके जो वर्टिकल में आपको दिख रही है आपकी क्या है, करंट कॉइल है। दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ठीक है। ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। आपके जो करंट कॉइल और जो पोटेंशियल कॉइल को क्या है, इन दोनों के दो सेट्स होते हैं, दो दो करंट कॉइल, दो पोटेंशियल कॉइल होती है। तो एक सेट तो आपका जो परमानेंट मैग्नेट है उसके अक्रॉस लगाया जाता है, साथ ही साथ आपके जो C1 और P1 पॉइंट है इनको शॉर्ट करके आपको जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरे लेट के जो दो अलग अलग पॉइंट है P और C, ये दोनों अपन ऑक्सिलरी जो आपके अर्थ इलेक्ट्रोड है उनसे इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इनके कनेक्शन अपन किस प्रकार करेंगे ये भी अपन देखेंगे। तो जनरली अपने पास कौन कौन से हो गए, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक हैंड ड्राइव जनरेटर हो गया, एक करंट रिवर्सर हो गया, एक रेक्टिफायर, परमानेंट मैग्नेट्स, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल। ठीक है। तो ये क्या है, इसके मेन में इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गए। ठीक है। तो अर्थ टेस्टर में दो कम्यूटेटर भी होते हैं। अब आपका जो डीसी जनरेटर होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर दो कम्यूटेटर होंगे, और जो कम्यूटेटर के साथ ही आपका जो करंट रिवर्सर है तथा जो रेक्टिफायर है वो
कनेक्ट रहता है, लगा हुआ रहता है, फिक्स रहता है। अब प्रत्येक कम्यूटेटर में क्या है, आपके चार ब्रशेज होती हैं, चार ब्रशेज होती हैं, तो दो दो जो आपका ब्रशेज का सेट है वो एट ए टाइम काम करता है। कम्यूटेटर आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन को कन्वर्ट करने का काम आता है, मतलब एक तरह से करंट कलेक्शन का काम करता है आपका ब्रशेज, और कम्यूटेटर उसके डायरेक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर जनरेटर के आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है। ब्रशेज पावर को स्टेशनरी पार्ट्स से मूविंग पार्ट्स तक ले जाने में या ट्रांसफ़र करने में काम आती है, मतलब जो आपके ब्रशेज हैं वो करंट कलेक्शन तो ये वो भी कह सकते हैं, साथ ही साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पावर है उसको स्टेशनरी पार्ट्स से मूविंग पार्ट्स में वो क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है। ब्रशेज का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि वह कम्यूटेटर चाहे घूमे चाहे नहीं घूमे, रोटेट करे या नहीं करे, वह हमेशा इसके कॉन्टेक्ट में बनी रहती है, मतलब जो भी कम्यूटेटर के आपके सेगमेंट्स हैं उसके हमेशा कॉन्टेक्ट में आपके ब्रशेज रहेंगी, ठीक है। अर्थ टेस्टर में दो प्रेशर कोयल और करंट्स कोयल भी होती है, ठीक है। तो प्रत्येक कोयल के दो टर्मिनल होंगे, ठीक है, एक प्रेशर कोयल तथा करंट कोयल को का पेयर है वो अपन का लगाते हैं परमानेंट मैग्नेट के बीच में लगा रखा जाता है, तथा दूसरा पेयर को अपन शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जो कि अपना P1 और C1 जो पॉइंट था उसको अपन ने शॉर्ट सर्किट कर दिया था, ठीक है। प्रेशर कोयल का एक टर्मिनल रेक्टिफायर से कनेक्ट कर देते हैं, तथा दूसरा जो टर्मिनल है वो अपन अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। इसी तरह करंट कोयल रेक्टिफायर तथा अर्थ इलेक्ट्रोड के अक्रॉस कनेक्ट की जाती है, जो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है और जो आपका रेक्टिफायर है उसके अक्रॉस अपन क्या करते हैं, करंट कोयल को कनेक्ट करते हैं। अब जो अर्थ टेस्टर की जो पोटेंशियल कोयल है उसको डायरेक्टली सप्लाई अपन किससे दे रहे हैं, डीसी जनरेटर से दे रहे हैं, साथ ही इस कोयल से आपका क्या है, पॉइंटर कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। पॉइंटर एक कैलिब्रेटेड स्केल पर फिक्स्ड होता है, तो जो आपका पॉइंटर है वो किस पे मूव करेगा, एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है उसके ऊपर वो मूव करेगा और डायरेक्टली आपको फिर ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में रीडिंग देगा, ठीक है। तो अर्थ टेस्टर में जैसे अगर अपन मेनली बाहरी साइड से अगर अपन देखें इंटरनल स्ट्रक्चर को भूल के, तो आपको बाहर की तरफ चार पॉइंट्स मिलेंगे, P1, P2 और C1, C2। तो P1 और C1 को अपन क्या करके शॉर्ट कर देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं अपन जो भी आपका अर्थ इलेक्ट्रोड है उससे, और जो P2 और जो C2 जो पॉइंट्स बचे वो पॉइंट्स होते हैं आपके ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स के, ठीक है। तो P2 आप एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होगा और जो दूसरा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होगा C2 पॉइंट से कनेक्ट होगा, तो P2 को अपन P एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और C2 को एक C दूसरा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे और मैं आपका जो अर्थ टेस्टर है इसको ऑन करेंगे, तो आपका जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, आपके जो प्रेशर कोयल है या जो पोटेंशियल कोयल है उसका वोल्टेज एवं जो आपकी करंट कोयल है उसमें फ्लो होने वाले करंट के अनुपात को ये क्या करेगा, पॉइंटर दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, या इसका जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन आएगा वो आपके जो प्रेशर कोयल है या जो पोटेंशियल कोयल है उसके वोल्टेज तथा जो करंट कोयल की जो करंट है उन दोनों के अनुपात को ये दिखाएगा, दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो चूंकि बेसिकली ये क्या हो गया, आपके पोटेंशियल कोयल का वोल्टेज अगर अगर वी माने और करंट कोयल में फ्लो होने वाला करंट अगर आई माने, तो वी अपॉन आई, तो अपन जानते हैं उस लॉ के थ्रू कि वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। इसलिए जो आपका पॉइंटर है वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के टर्म में आपको यहाँ पर रीडिंग देगा, ठीक है। तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन प्रेशर कोयल के वोल्टेज तथा करंट कोयल के करंट के अनुपात पर निर्भर करता है। तो यहाँ से अपना क्या हो गया, वी अपॉन आई हो गया, पॉइंटर का जो भी डिफ्लेक्शन है प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आई, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस के टर्म में रीडिंग देता है, मतलब जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन वो आपको डिफ्लेक्शन नोट करके या जो कैलिब्रेटेड स्केल पर जो पॉइंटर जो पोजिशन आपको देगा वो पोजिशन आपको किसके टर्म में देगा, रेजिस्टेंस के टर्म में देगा, डायरेक्टली आप वहाँ से अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट किसके थ्रू, अर्थ टेस्टर के थ्रू, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।